जब भी न्यूमेरिकल बनाते हो या सवाल देता है कि अ बॉडी इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, उसका यही मतलब है कि जो बॉडी में रोलिंग कैपेसिटी है लेकिन उस बॉडी का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो रिलेटिव टू द सरफेस, उसमें कोई स्लाइडिंग बिहेवियर नहीं है, ठीक है। तो वो ये स्टेट है जब कॉन्टैक्ट पॉइंट का नेट वेलोसिटी जीरो है। अब सवाल ये है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आउट ऑफ 1000 पार्टिकल्स एज पर माई अजम्पशन वन ऑफ देम दैट इज द पॉइंट सी, 1000 पार्टिकल में वो कॉन्टैक्ट पॉइंट एक पार्टिकल है मान लो, तो सी कहा कि ओके, ग्राउंड को कहा कि ओके आई एम नाउ रिलेटिवली स्टैटिक विथ रेस्पेक्ट टू यू, तो ग्राउंड भी खुश हुआ, बोला कि ओके नाउ आई विल स्टॉप अप्लाइंग माई फोर्स ऑन यू। ये तो भाई सी और ग्राउंड में ये अंडरस्टैंडिंग हो गया, व्हाट अबाउट द रेस्ट 999 पार्टिकल्स? स्फेरिकल बॉडी में जो बाकी 999 पार्टिकल है उसका क्या? उसमें तो किसी का लीनियर नेट वेलोसिटी जीरो हुआ क्या? द मोमेंट व्हेन बॉटम मोस्ट पॉइंट रीचेस टू द नेट वेलोसिटी जीरो, मान लो तुमको पूछेगा, एमसीक्यू में पूछ सकता है, अगर मैं सवाल क्वेश्चन बनाऊं तो मैं बनाऊंगा कि द मोमेंट व्हेन अ बॉडी अचीव्स प्योर रोटेशन हाउ मेनी पॉइंट्स आर हैविंग नेट वेलोसिटी जीरो, तो आंसर है सिर्फ एक ही पार्टिकल का नेट वेलोसिटी जीरो होता है, वो कॉन्टैक्ट पॉइंट। इवन अगर उस स्फेरिकल बॉडी में कॉन्टैक्ट पॉइंट जो है मैंने मार्क किया सी ना, ये सी मार्क किया था ना, तो इस रेडियल लाइन में सी के ऊपर एक पॉइंट को मार्क करो पी, पी का भी नेट वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो मान लो ओ टू सी तो हमारा कैपिटल आर था ना, अब मान लो ओ टू पी हम स्मॉल आर ले लेते हैं, तो P इज मोर क्लोजर टू द एक्सिस, है कि नहीं? तो अब मेरे को एक कॉन्सेप्ट बताओ कि मैं कह रहा हूं कि जब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी V'CM, तो उस समय मैंने लिखा था कि C का भी लीनियर वेलोसिटी V'CM, हाँ या ना? तो P का भी लीनियर वेलोसिटी V'CM होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? समझ के बोल रहे हो कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, ओमेगा जो मैंने कहा था कि इंस्टेंटेनियस ओमेगा, अगर ओमेगा डैश है तो क्या पी पे वो ओमेगा डैश है, सी पे भी वो ओमेगा डैश है? यस करेक्ट, पी में भी वो ओमेगा डैश एप्लीकेबल है और सी में भी ओमेगा डैश ही एप्लीकेबल है। फिर फर्क क्या है, फर्क कहां है? देखो सी को डिस्टेंस सेंटर से यानी एक्सिस से, ये एक्सिस पॉइंट था ना, तो एक्सिस से सी को कितना डिस्टेंस मिल रहा था, कैपिटल आर, तो ये बैकवर्ड जो वीडेस बना रहा था दैट वाज ओमेगा इनटू कैपिटल आर, हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बाउंस कर रहा है क्या किसी को? हेलमेट पहनो, बाउंस किया किसी को? अरे कोई बोलो तो ना, ठीक है। तो वीडेस ओमेगा डैश इनटू आर किसको मिला, ये सी को, पी को भी क्या यही वैल्यू का वीडेस मिलेगा? नहीं, पी को मिलेगा ये, पी को मिलेगा बैकवर्ड जो लीनियर वेलोसिटी मिलेगा वीडेस, दिस वीडेस विल बी ओमेगा डैश इनटू आर, तो ये ओमेगा डैश इनटू स्मॉल आर क्या ओमेगा डैश इनटू कैपिटल आर के बराबर है क्या? नहीं है, छोटा है ना उससे, रेडियल डिस्टेंस कम है। तो यानी कि पी में क्या हम कह सकते हैं, यानी कि वीडेस सी एम is definitely greater than omega dash into smaller, हाँ या ना? तो यानी कि P point का जो linear velocity जिंदा है, C पे भले net linear velocity खत्म हो गया at the instant of pure rolling, but the point P immediate above C, even उसमें भी net velocity है। समझ में आया? Are you getting me or not? तो इस आर्गुमेंट से हम ये कॉन्सेप्ट पे पहुंच सकते हैं कि कोई भी बॉडी जब प्योर रोलिंग स्टेट पर पहुंचता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट यानी जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उसका ही नेट वेलोसिटी जीरो होता है, बाकी और किसी का नेट वेलोसिटी जीरो नहीं होता है। क्लियर है? यानी कि
एज पर माई कंसिडरेशन ऑफ 1000 पार्टिकल सिस्टम, यानी रेस्ट 999 पार्टिकल्स का लीनियर वेलोसिटी नेट वेलोसिटी है।